Hello. Ma'am, this is Dr. Avnish. Just wanted to give you the good news. Good news? What good news? Ma'am, आपकी बेटी को होश आ गया है. वो कोमा से बाहर आ गई है. Hello. Is it Radhika from Times? Yes. And what's this? Oh, hi. I mean, hello. Actually, Radhika, I'm so excited that. कि मैं क्या बोलूं और मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया को इस बारे में पता चलना चाहिए इस मिरेकल के बारे में. मिरेकल क्या मतलब? एक्चुअली क्या हुआ कि डेढ़ साल बाद एक लड़की कोमा से निकली है. ये मिरेकल नहीं तो और क्या है? खुशी हुई है जानकर, पर ये कोई डिस्कवरी चैनल नहीं है एंड हमारा चैनल ऐसी न्यूज रिपोर्ट नहीं करता. और अगर ये लड़की अमृता सिन्हा की बेटी हो तब भी नहीं. अमृता सिन्हा? यू मीन चेयरवुमन ऑफ सिन्हा इंडस्ट्रीज? एग्जैक्टली. फ्रॉम वेयर आर यू कॉलिंग? Holy Trinity Hospital. Congratulations, ma'am. आपकी बेटी कोमा से बाहर आ गई है. Oh my God. This is a miracle. मैं जानती थी भगवान मेरे प्रेयर सुन लेंगे. मेरी बेटी मेरे पास वापस आ गई. I love you, mama. I love you, बच्चा. कैसे आप सब डॉक्टर्स के होते हुए भी ये जाग कैसे गई? Someone changed the drip to stop the propofol infusion. अगर आप चाहे तो हम लोग फिर से उन्हें कोमा में डालने की कोशिश कर सकते हैं मैम. डॉक्टर है या चूतिया है, उसे वापस कोमा में डालने से सबको शक नहीं हो जाएगा? मजाक है क्या? जब चाहे कोमा में डाल दिया, जब चाहे बाहर निकाल दिया. मुझे कुछ और सोचना होगा. आई एम सॉरी मैम. सॉरी? Can a sorry make a dead man alive? Can it? Or apparently it can. Apparently it can, doctor. Doctor, I don't need you. Just get the hell out of here. Sorry. Hello. This is Radhika from Times. Radhika from Times. Yes, doctor. हमने सुना है कि अमृता सिन्हा की बेटी के साथ एक चमत्कार हुआ है. वो कोमा से बाहर आ चुकी हैं. कैन यू प्लीज कंफर्म दिस? सॉरी, नो कमेंट्स. I really don't know. मीडिया को ये इंफॉर्मेशन किसने दी? मैं जानती हूँ. एक राह चलती कुतिया है जो साली मरने का नाम नहीं ले रही. अनामिका, अनामिका क्या हुआ? अनामिका, अनामिका पानी, अनामिका आराम से.
देवी क्या हुआ बोलो, हाँ क्या हुआ? रंग चाल थी उसकी, she is poisoned me. What? अनामिका चलो हॉस्पिटल चलो इसी वक्त का. नहीं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, पुलिस मुझे ढूंढ रही है मोहित अकाल को. अरे अनामिका समझने की कोशिश करो, अगर अगर हॉस्पिटल नहीं जाओगी तो मर जाओगी, वक्त नहीं हमारे पास कब. नहीं नहीं क्या चाहते हो अनामिका बोलो, क्या चाहती हो मुझसे, तुम्हें मरते हुए देखूं? हाँ यही चाहती हो तुम? मोहित शी सेड मेरे पास 20 घंटे और उसके पास एंटीडोट, लेकिन उसे बदले में शेयर के पेपर्स चाहिए. तो अनामिका तुमने उसको दे क्यों नहीं दिया? आई अंडरस्टैंड, देखो अगर जान बचेगी ना तो हम बदला वापस भी ले सकते. नहीं मैं नहीं दूंगी उसे पेपर्स. तो मुझसे क्या चाहती हो यार? तुमने कहा था ना कि तुम फोन नंबर से इंसान की कुंडली निकाल सकते हो, तो then do it. किसकी? मुझे जहर दिया गया, आपके पति मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज प्लीज सेव मी प्लीज. भिड़े क्या हुआ, इस तरह हॉर्न बजा रहा है वो? सुना है आपके डिपार्टमेंट वाले काफी टाइम से इसे ढूंढ रहे हैं. हाँ पर तुम्हें कहाँ मिली? मार्केट में मिली. डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम खतरे से बाहर हो. नाउ टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन. कांग्रेचुलेशंस, लगता है सितारे भी आपसे पूछ कर करवट लेते हैं, वरना एक दिन में दो खुशियां आजकल किसे नसीब होती है. थैंक यू सो मच, पर आपने कहा दो खुशियां? जी बिल्कुल, एक तो आपकी बेटी को होश आ गया और दूसरा आपकी मुजरिम पकड़ी गई. वी कॉट अनामिका. ओह दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है. हैरत की बात है कि किसी ने उसे जहर दिया था, पर अब वो खतरे से बाहर है. रियली? बस होश में आते ही सवाल जवाब होगा. फॉर्मेलिटी के लिए उसे भी अपनी कहानी सुनाने का मौका देना पड़ेगा, मगर मुझे नहीं लगता अब उसके पास कोई चारा है सिवाय अपना जुर्म कबूल करने का. बस सवाल यह है कि उसे जहर किसने दिया? हाँ कौन दे सकता है, वो खुद भी तो कर सकती है, ये उसकी चाल भी तो हो सकती है. हो सकता है. एनीवेज आई विल कीप यू पोस्टेड. वैसे सिक्योरिटी का तो बंदोबस्त कर ही दिया होगा ना आपने, बहुत चालाक है वो, जरूर भागने का सोचिए. डोंट यू वरी अबाउट दिस, मुझे लगता है इस बार वो भागने के लिए नहीं आई है. फिर भी हॉस्पिटल में और उसके कमरे के बाहर मैंने सिक्योरिटी की डिटेल्स लगा दी. अच्छा कौन सा हॉस्पिटल? आई मीन वो यहाँ भी तो आ सकती है, हमारी जान खतरे में हो सकती है. आप बिल्कुल चिंता ना करें, वो जिस हालत में है चार कदम चल नहीं सकती. वैसे उसे मुंबई जनरल हॉस्पिटल में रखा गया है, काफी दूर है यहाँ से. सो देयर इज नो नीड टू वरी. थैंक यू. अब अगर ये काम नहीं हुआ ना तुमसे तो तुम्हें मुझसे अपनी जान बचानी होगी. ओके मैंने उन्हें गलत फ्लोर बताया, अनामिका इज हियर इन द फिफ्थ फ्लोर, पर उन्हें बताया गया कि वो फोर्थ फ्लोर में है और वहां अनामिका की जगह मेरी ऑफिसर होगी. अगर किसी ने भी हमला करने की कोशिश की तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे. कमिश्नर साहब, अनामिका की सिक्योरिटी का क्या? हर फ्लोर पे मेरे लोग हैं इन सिविल ड्रेस. डोंट वरी, आई हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग. इनफैक्ट शिफ्टिंग के दौरान हमने सिक्योरिटी कैमराज भी ऑफ कर लिए थे.
इस वक्त सिक्योरिटी रूम में मेरे ऑफिसर्स बैठे हैं। अगर रोहन या कोई और भी यहाँ आता है तो उसे पहचान लेंगे। अनामिका को अगर किसी ने भी मारने की कोशिश की तो वो उसकी आखिरी कोशिश होगी। मैं ऐसा करता हूँ, फिफ्थ फ्लोर जाके चेक करता हूँ। मैं पर्सनली सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर करता हूँ। जी सर। Damn it! He's in the building. What? Keep me informed. Okay, sir. Abhi I just. Okay. Take compass. सब क्या हो रहा है? वो यहाँ है, रोहन यहाँ आ गया। किसी ने उसे आते हुए देखा भी नहीं। फिक्र मत करो, हम उसे बच के जाने नहीं देंगे। आइस फीट हूँ,
तुम्हें तो पता है मुझे तुम्हारे कमरे में गैर मर्द अच्छे नहीं लगते। तुम्हारा किस्सा ही आज खत्म कर देता हूँ। बहुत भाग लिया, बहुत छुप लिया, अब मरने बांटने का वक्त है। गोना किल मी। विथ प्लेजर। अगर मुजरिम आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो भी आप उन्हें हथकड़ी लगाते हैं। I am sorry, अमृता, रूल है ये। चलिए फिर, जब टाइम नहीं था तो टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं था, अब जब टाइम ही टाइम है तो भी टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। तुम्हारी बेटी ने कंपनी का चार्ज अपने हाथों में ले लिया है एंड आई मस्ट टेल यू शी लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट। इनफैक्ट उसने जिद करके मुझे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया। हैव अ लुक। तुमने मुझसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे एक नया परिवार भी मिला है। समझ नहीं आता कि तुमसे शिकायत करूं या तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। जब तक मैं जिंदा हूं ये गेम खत्म नहीं होगा। एक दौर मेरा था, अब तुम्हारा है। मेरा दौर वापस आएगा और तुम देखती रह जाओगी। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है दीदी। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी इस उम्मीद को जिंदा रखो, क्योंकि अगर तुम्हारी उम्मीद खत्म हो गई तो तुम्हारा तड़पना खत्म हो जाएगा, और तुम्हारा तड़पना बहुत जरूरी है। गुड बाय। जब तक मुझ में आग है बाकी, सूरज तो बुझना ना, जलते रहना। जब तक मुझ में जान है बाकी, धड़कन तो रुकना ना, चलती रहना।
Well, if you don't mind, अगर आपके सारे बदले ले लिए गए, सारे हिसाब बराबर हो, बोले आप डिनर बदले। जो डिनर पे ले जाना चाहते हैं, वो अक्सर ब्रेकफास्ट तक रुकने का ख्याल बना रहे हैं। सच कहूँ, मेरा भी ख्याल कुछ ऐसे ही है। लेकिन अनामी का ब्रेकफास्ट ही क्या? मैं तो उसके बाद के बारे में भी सोच रहा था। सोच लो, तुम रुक तो जाओ, लेकिन अगर छोड़ के गए तो ये लड़की बदला लेना जानती है। तुमने वैसे ही मुझे इतना घायल कर दिया, इसके आगे और क्या कर लोगे? जी, इतनी चीजी लाई थी ना? हाँ, प्रॉमिस करो कि ऐसे चीजी डायलॉग्स फिर कभी नहीं मारोगे, तो ही मैं ले लूंगी। ना कम मैं ले रही भर गया है जख्म मेरे कर अदा जिंदगी।